हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट ग्रेडी। ओके स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने आयोटा के बारे में पढ़ा था और इमेजिनरी नंबर क्या होता है इस चीज़ के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास तक पढ़ चुके हैं। ओके, तो एक बार इन शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं उस चीज़ को कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। सबसे फर्स्ट पॉइंट बच्चों कि रूट अंडर माइनस वन इक्वल टू आई, रूट अंडर माइनस वन इक्वल टू आयोटा होता है और आयोटा को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात, आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, आई क्यूब इक्वल टू माइनस आई, आई रेज टू द पावर फोर इक्वल टू वन। हम लोगों को ये चार बातें याद रखना है, रूट अंडर माइनस वन इक्वल टू आई, आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, आई क्यूब इक्वल टू माइनस आई और आई रेज टू द पावर फोर इक्वल टू वन। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट दैट इज बी, हम लोग क्या पढ़ा था कि आई रेज टू द पावर बच्चों अगर एन है, आई रेज टू द पावर एन, एन इज एनी नेचुरल नंबर। ओके, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आई रेज टू द पावर आर, वेयर वेयर आर इज रिमाइंडर, वेयर आर इज रिमाइंडर व्हेन व्हेन एन इज डिवाइडेड बाय, एन इज डिवाइडेड बाय फोर। जब हम इस एन को डिवाइड करते हैं फोर से तो जो रिमाइंडर बचता है ये आर होता है, जो रिमाइंडर बचता है ये आर होता है। और बच्चों यहाँ पर एन क्या है, स्मॉल एन, ये बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से। अब नेचुरल नंबर वगैरह क्या होता है ये सारी चीज़ें मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। थर्ड नंबर सी पॉइंट, सी पॉइंट मतलब एक पॉइंट और हम लोगों ने पढ़ा था कि आई रेज टू द पावर एन प्लस आई रेज टू द पावर एन प्लस वन प्लस आई रेज टू द पावर एन प्लस टू प्लस आई रेज टू द पावर एन प्लस थ्री इक्वल टू जीरो होता है। कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों कि द सम ऑफ फोर, द सम ऑफ फोर कंजिक्यूटिव पावर ऑफ इंटीग्रल पावर, कंजिक्यूटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा इक्वल टू जीरो होता है। ये चीज हम लोगों ने पढ़ा था, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, द सम ऑफ फोर कंजिक्यूटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि आयोटा के चार लगातार, कंजिक्यूटिव का मतलब लगातार, इंटीग्रल पावर का सम जीरो होता है। यानी बच्चों क्या, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ कि जैसे आई क्यूब प्लस आई पे पावर फोर प्लस आई पे पावर फाइव प्लस आई पे पावर सिक्स इक्वल टू जीरो आएगा, इक्वल टू कितना आएगा, जीरो आएगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो जीरो आएगा, जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में बकायदा सॉल्व करके इसको देखा था। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया था और ये लास्ट क्लास तक हम लोगों ने किया था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि अच्छे क्वेश्चन करने के लिए, जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें, जो होमवर्क था आपका, आप लोग का ये होमवर्क था लास्ट क्लास का, इसको अब मैं डिस्कस कर लेता हूँ। आर इक्वल टू थ्री से लेकर के हंड्रेड तक है और आई पे पावर आर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना होगा। किस कॉन्सेप्ट को, द सम ऑफ फोर कंजिक्यूटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा इज इक्वल टू जीरो, यानी चार लगातार आयोटा का इंटीग्रल पावर का सम क्या होता है, जीरो होता है। तो बच्चों आप लोग को मालूम है कि ये सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब होता है समेशन यानी प्लस। तो जैसे आर का वैल्यू थ्री से स्टार्ट है और कहाँ तक गया है, हंड्रेड तक, तो आर का वैल्यू थ्री से लेकर के हंड्रेड तक है बच्चों। मतलब आर का वैल्यू पहले थ्री रखेंगे तो आई रेज टू द पावर थ्री हो गया, फिर प्लस, अब आर का वैल्यू थ्री के बाद क्या आएगा, फोर,
तो आई पे पावर 4, नेक्स्ट क्या होगा आर का वैल्यू 5, तो प्लस आई पे पावर 5, प्लस आई पे पावर 6, प्लस आई पे पावर 7, इस तरह से बच्चों ये चलता रहेगा एकदम। और कहाँ तक जाएगा, देखो R का लास्ट वैल्यू क्या है, 100 है, R का लास्ट वैल्यू 100 है, तो I रेज टू दी पावर क्या हो जाएगा बच्चों, 100। अब इसका हमें वैल्यू निकालना है, इसको हमें सॉल्व करना है, तो आप सोचो कैसे सॉल्व करोगे। लास्ट क्लास में आपको एक क्वेश्चन मैंने बताया था और ये आप लोगों को होमवर्क दिया था, जैसे आई पे पावर 100 है तो इसके पहले क्या होगा, आई पे पावर 99। अगर मैं आपसे पूछूं आई का पावर 99 के पहले क्या होगा, तो 98 होगा। अगर मैं आपसे पूछूं आई रेज टू दी पावर 98 के पहले क्या होगा बच्चों, तो 97 होगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि चार लगातार इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा का सम क्या होता है, 0। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि देखो 1, 2, 3, 4 और जो पावर है ना वो लगातार है, मतलब कंजुकेटिव इंटीग्रल पावर है, तो इसका सम हो जाएगा 0 यहां तक। इसी तरह नेक्स्ट 4 का सम क्या होगा बच्चों, 0। तो इस तरह से चार चार ग्रुप बन करके उसका समेशन 0 होते जाएगा, चार चार ग्रुप बन के उसका समेशन क्या होते जाएगा, 0। तो आप ऐसे सोचो कि ये जो समेशन हमने लिया है इसमें टोटल कितना टर्म्स है, इसमें टोटल कितना टर्म्स है। तो स्वाभाविक सी बात है बच्चों, देखो 3 से स्टार्ट है और 100 तक गया है, मतलब 98 टर्म्स है इसमें, यानी कहने का मतलब इसमें टोटल 98 लोग हैं और चार चार लोगों का सम 0 होते जा रहा है, मतलब चार चार लोगों का जो ग्रुप बनेगा, रेगुलर ग्रुप बनेगा, कंजुगेटिव पावर ऑफ इंटीग्रल का जो सम होगा वो 0 होते जाएगा। तो यहाँ पर टोटल 98 है, टोटल कितना है 98, तो 98 है टोटल, तो चार चार का ग्रुप बनाओगे तो कितने लोग बच जाएगा, 98 टर्म्स हैं, उसमें से चार चार का ग्रुप बनाने के बाद कितने टर्म्स बचेंगे, तो कितने टर्म्स बचेंगे, एक काम करते हैं 98 को 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आता है 4 2 जा 8, बच गया 1 और ये 8, और 4 4 जा 16, कितना बच जा रहा है 2, दो बचा ना, मतलब दो टर्म रह जाएगा 98 टर्म्स को चार चार ग्रुप बनाने के बाद दो टर्म रह जाएगा, तो वो दो टर्म कौन सा रहेगा, जैसे ये लास्ट वाला दो टर्म, तो बाकी यहां तक सब क्या हो गया 0 हो गया। तो बच गया क्या बच्चों, देखो ये यहां से यहां तक 98 तक 0 हो गया और प्लस आई पे पावर 99 प्लस आई पे पावर 100 बचा। अब हम लोग क्या करते हैं कि आई का पावर अगर 4 से ज्यादा है, आई का पावर अगर 4 से ज्यादा है देखो, तो हम लोग पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, आई के पावर अगर आई का पावर ज्यादा है तो हम लोग 4 से इसको डिवाइड करते हैं। तो जैसे बच्चों 4 से 99 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 4 2 जा 8, 1 बच गया 9, और 4 4 जा 16, और फिर कितना बच गया 3, यानी रिमाइंडर 3 आया। तो हम अब आई के पावर 99 के जगह, आई का पावर जो 99 है, इस 99 के जगह 3 लिख देंगे, फिर प्लस, अब 100 को भैया 4 से डिवाइड करोगे, अगर 100 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 0। अब बताओ आई क्यूब कितना है, आई क्यूब क्या होता है माइनस आई, तो आई क्यूब के जगह आ गया बच्चों माइनस आई, और प्लस आई का पावर 0 कितना 1, अरे किसी भी नंबर का पावर कितना होता है 1 होता है, तो आई का पावर 0 कितना हो गया 1, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो वो 1 होता है। तो बच्चों यहाँ से आंसर आ गया 1 माइनस आई, तो लास्ट क्लास का जो होमवर्क था आपका उसका आंसर है 1 माइनस आई, ओके। तो बच्चों लास्ट क्लास तक हम लोगों ने ये सारी चीज़ें डिस्कस करा था, अब हम लोग चलते हैं कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अभी तक मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ये नहीं बताया, अभी तक आपको मैंने ये नहीं बताया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो बच्चों देखो कॉम्प्लेक्स जो वर्ड है, ये वर्ड आप लोगों ने आसपास के इन्वायरमेंट में
आसपास के माहौल में सुना होगा। कॉम्प्लेक्स का मतलब ही होता है कोई जटिल सा चीज़, और जटिल का मतलब क्या हुआ कि उसमें दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें मिलकर के बना हो, दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें मिलकर के बना हो। मतलब एक जगह अगर दो से मतलब दो या दो से ज़्यादा कुछ डिफरेंट चीज़ों को मिक्स कर दो तो वो जो बनता है उसको हम लोग एक जटिल बोलते हैं। जटिल चीज़ आसान सा चीज़ तो होता नहीं है। तो यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब यहाँ कॉम्प्लेक्स वो जटिल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ नंबर की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा होता है वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ दो डिफरेंट नंबर होगा। अब सर कॉम्बिनेशन ऑफ दो डिफरेंट नंबर होगा मतलब कोई दो डिफरेंट नंबर मिलकर के बन रहा होगा जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोल रहे हैं। तो वो दो डिफरेंट नंबर क्या है, वो दो डिफरेंट नंबर क्या है? तो बेटा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। टेंथ क्लास तक आप लोगों ने रियल नंबर क्या होता है ये सारी बातें आप अच्छी तरह से जानते हो, और लास्ट क्लास में आप लोगों को मैंने ये भी बताया कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है। क्या होता है इमेजिनरी नंबर? जो इमेजिनरी नंबर क्या होता है बच्चों, अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए, जैसे रूट अंडर माइनस थ्री। यानी बच्चों अगर रूट के अंदर माइनस दिखता है, रूट के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस दिखता है तो दिस इज द इमेजिनरी नंबर। ये आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने बताया था इमेजिनरी नंबर। और रूट अंडर माइनस वन को हम लोग आई लिख दें तो ये बन जाता है रूट अंडर थ्री आई। यानी अगर बेटा रूट के अंदर माइनस दिखे या आई दिखे मल्टीप्लाई में तो वो नंबर इमेजिनरी नंबर होता है। करेक्ट बात। तो अब हम लोग जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं। ओके बच्चों चलो, ओके तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड या इमेजिनरी नंबर। तो देखो हमने लिखा है कि इट इज़ द कॉम्बिनेशन, इट इज़ द मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात हो रहा है, इट का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात हो रहा है। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। आने बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय जेड। जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में डिफाइंड होता है? तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर यानी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। ठीक है बच्चों, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी। ये जो आपका ये हुआ ये रियल नंबर हो गया, और जो बच्चों आई बी हुआ ये आपका इमेजिनरी नंबर हो गया। लेकिन यहाँ पर ए और बी जो है, ए एंड बी, जो ए और बी जो है आपका, ए एंड बी आर रियल नंबर। यानी कहने का मतलब जो ये है और ये जो बी है वो रियल नंबर है। हाँ आई के साथ जो बी है,
ये इमेजिनरी नंबर, यानी कहने का मतलब सुनो, आई बी इमेजिनरी नंबर है बेटा, आई बी क्या है, इमेजिनरी नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है, ऐसे समझो अभी, ये रियल नंबर और ये इमेजिनरी नंबर, तो देखो दोनों मिलकर के क्या बना, कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों मिलकर के क्या बना, कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, यहाँ पर जो ये है और ये जो बी है ये रियल नंबर है। अब आप लोग जानते हो कि रियल नंबर में क्या क्या, कौन कौन सा नंबर आता है, रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं ना, रैशनल और इरेशनल। रियल नंबर में जीरो भी आता है, तो कहने का मतलब बच्चों ए का वैल्यू जीरो हो सकता है और बी का वैल्यू भी जीरो हो सकता है, क्योंकि जीरो भी एक रियल नंबर है, जीरो भी एक रियल नंबर है, तो ए का वैल्यू जीरो हो सकता है और बी का भी वैल्यू जीरो हो सकता है। तो जो इस फॉर्म में, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो आपका ये हुआ, ए प्लस आई बी। तो बच्चों अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे 3 प्लस 2i, देखो 3 और 2 दोनों रियल नंबर है कि नहीं है, इसीलिए मैंने लिखा है कि a और b क्या होना चाहिए, a और b होना चाहिए रियल नंबर, a और b क्या होना चाहिए भैया, रियल नंबर होना चाहिए। तो एग्जांपल्स आपका जैसे 3 प्लस 2i, -2 प्लस 5i, 7 माइनस 6i, इस तरह से √3 माइनस 2i, या तो -2 प्लस √3i, ये सारे देखो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ये सभी क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जांपल है, देख सकते हो आप, कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जांपल है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों, 0 प्लस 2i, यहाँ पर ए का वैल्यू जीरो हो गया, ए का वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस i 0, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर वे सारे नंबर्स होंगे जिसको अपन a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर्स होगा जिसको हम लोग a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, करेक्ट। और ये क्या चीज़ है, रियल, ये क्या चीज़ है, रियल नंबर है, और आई बी क्या है, इमेजिनरी नंबर। तुम ऐसे समझ लो, कोई दिक्कत नहीं आ तक, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत सारे एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब सुनो, अगर जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है तो ए और बी दोनों रियल है, ये तो पता है ए और बी दोनों रियल है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में ए और बी को हम लोग एक अलग नाम से जानते हैं। जैसे बेटा आई बी इमेजिनरी नंबर हुआ, तो ये जो b है, ये जो b है, समझना, आई बी क्या है, इमेजिनरी नंबर, तो ये जो b है वो क्या है, इस इमेजिनरी नंबर का पार्ट है ना, ये जो b है इस इमेजिनरी नंबर का पार्ट है, ये जो b है वो इस इमेजिनरी नंबर का पार्ट है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो b है भैया, दिस इज द पार्ट ऑफ इमेजिनरी नंबर, पार्ट ऑफ इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, पार्ट ऑफ इमेजिनरी नंबर, या तो इन शॉर्ट में बोल सकते हैं इमेजिनरी पार्ट, इन शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट, और हम लोग यही बोलते रहते हैं इमेजिनरी पार्ट। यानी जो आई के साथ जो बी है, आई के साथ जो मल्टीप्लाई है रियल नंबर, आई के साथ जो मल्टीप्लाई है नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, और जो एकदम आई के साथ नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट, क्या बोलते हैं, रियल पार्ट। तो कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, कहने का मतलब ये हुआ, देखो आप बढ़िया से समझो बात को, बढ़िया से समझो बच्चों, कि z इक्वल टू ए प्लस आई बी है तो इसमें दो पार्ट है, कितने पार्ट है, दो पार्ट, एक है बच्चों रियल पार्ट, दिस इसको हम पॉइंट नंबर 4 दे देते हैं, एक है रियल पार्ट, रियल पार्ट ऑफ z, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। और ध्यान में रखो आप कि कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट को हम लोग re से लिखते हैं,
और रियल पार्ट ऑफ जेड, ये रियल पार्ट ऑफ जेड लिखा है, इसको हम लोग इन शॉर्ट में लिखेंगे आर ई ऑफ जेड। पढ़ेंगे क्या, रियल पार्ट ऑफ जेड। और यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है बच्चों, ये है। और क्या चीज, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं आई एम ऑफ जेड से। और यहां पर इमेजिनरी पार्ट क्या है, जैसा कि अभी मैंने समझाया था कि आई के साथ जो मल्टीप्लाई है, दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनता है, इसलिए स्टार लगा लेना। जैसे बच्चों अगर मैं सिंपल सब एग्जाम्पल से आपको पूछूं कि बेटा आप ये बताओ कि गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो अब आप आसानी से बता सकते हो। और भैया अगर आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है पूरी बातें, तो ज़रूर हमारा क्लास ज्वाइन कीजिए आप, ठीक है, ज़रूर स्पेक्ट्रम ज्वाइन कीजिए। देखो एग्जाम्पल्स, जैसे बेटा जेड इक्वल टू रूट थ्री माइनस टू आई है, रूट थ्री माइनस टू आई, तो बेटा इसका रियल पार्ट क्या होगा, फर्स्ट नंबर इसका रियल पार्ट क्या होगा जो आई के साथ नहीं है, रियल पार्ट मतलब जो रियल वाला है, ये तो इमेजिनरी वाला हो गया, ये रियल वाला, तो रियल पार्ट क्या है, रूट थ्री। इमेजिनरी पार्ट क्या है बच्चों, इमेजिनरी पार्ट आई के साथ जो मल्टीप्लाई होता है उसी को इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। आई के साथ जो मल्टीप्लाई रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट। तो बच्चों यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट कितना है, माइनस टू, इमेजिनरी पार्ट कितना है, माइनस टू। दूसरा एग्जाम्पल देखो बच्चों, अगर हमने जेड इक्वल टू ले लिया माइनस थ्री माइनस टू आई, तो बच्चों रियल पार्ट ऑफ जेड माइनस थ्री होगा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड देखो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड आई के साथ जो है वो इमेजिनरी पार्ट, तो आई के साथ कितना है बेटा, माइनस टू है, तो माइनस टू हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट। और एग्जाम्पल्स देखें, अगर बच्चों मैं लिया जेड इक्वल टू जीरो माइनस टू आई, तो बच्चों रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड जीरो हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट अगेन आपको बता रहा हूँ आई के साथ जो मल्टीप्लाई है वो आपका इमेजिनरी पार्ट, तो आई के साथ मल्टीप्लाई बेटा माइनस टू, तो ये माइनस टू हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट। अब बच्चों देखो और एग्जाम्पल्स देखो, फोर्थ नंबर जेड इक्वल टू बेटा अगर मैं लिखा टू प्लस आई इंटू जीरो, टू प्लस आई इंटू जीरो, तो यहाँ पर देखो बच्चों रियल पार्ट ऑफ जेड टू हो गया और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड मतलब जेड आई के साथ जो मल्टीप्लाई है वो होता है इमेजिनरी पार्ट, तो देखो रियल पार्ट ऑफ जेड टू और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जीरो। तो अब तो आप लोग इतना सीख लिए होंगे, क्या चीज़ इतना समझ में आ गया होगा कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से दिया रहेगा, इस तरह से दिया रहेगा तो उसका आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आसानी से लिख सकते हो, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आसानी से लिख सकते हो। अब एक चीज़ ऑब्जर्व करो बच्चों, देखो ये वाला जो नंबर है, जैसे मैं लिख रहा हूँ एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड थ्री प्लस आयोटा जीरो, ये वास्तव में क्या है बच्चों, ये वास्तव में थ्री के इक्वल है, वास्तव में क्या है, थ्री के इक्वल है। और आप लोग जानते हैं बच्चों कि ये जो थ्री होता है वो कैसा नंबर होता है, रियल नंबर। और ये जो नंबर इस फॉर्म में लिखा जाता है ए प्लस आई बी के फॉर्म में, वो क्या होता है बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर, वो क्या चीज़ होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये रियल नंबर और ये क्या चीज़ हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक बात, आप समझो तुम। तो इसका मतलब क्या देख रहे हो कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर रियल नंबर होता है, मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो रियल नंबर होता है, नहीं हमेशा नहीं होता है। देखो ये थ्री प्लस आई जीरो ही बराबर थ्री होगा, ये थोड़ी हो जाएगा, यहाँ तो आई है, मतलब आई के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई है, नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई है। हाँ लेकिन एक बात कन्फर्म है कि जितना भी रियल नंबर है उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं, सारे रियल नंबर को बेटा हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं। तो जो फिफ्थ पॉइंट है उसमें आप इस बात को लिख लेना कि ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स
आर कॉम्प्लेक्स नंबर, सारा रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बट ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर नॉट रियल। यानी कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि जो रियल नंबर होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होता है। एक टर्म यूज कर रहा हूं मैं यहां पर, सबसेट। सबसेट का मतलब हुआ किसी बड़े पार्ट का छोटा पार्ट। जैसे आपका स्कूल, आपका जो क्लास है वो किसी स्कूल का पार्ट है, तो आपका क्लास आपके स्कूल का सबसेट हो जाएगा। तो यहां पर रियल नंबर जो होता है बेटा, रियल नंबर ये सबसेट होता है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। रियल नंबर जो होता है बेटा वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होता है। रियल नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट। और बेटा सबसेट का मतलब पार्ट, सबसेट का मतलब पार्ट। और इसका मतलब क्या हुआ कि जितना भी रियल नंबर्स है सभी को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं, बशर्ते कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रियल नंबर, सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल नंबर नहीं बोलेंगे। अब बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे ए भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कौन, जीरो। और जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे है, इसको हम लोग लिख सकते हैं जीरो प्लस आई जीरो। तो जीरो ही एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो, जीरो ही एक ऐसा नंबर है, ऐसे बोलना ज्यादा बढ़िया होगा, कि जीरो एक ऐसा नंबर है जो कॉम्प्लेक्स नंबर भी है और रियल नंबर भी है, मतलब दोनों है, ठीक है। आगे इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कहोगे आप सर थ्री भी दोनों नंबर है, हाँ बिल्कुल, थ्री भी रियल नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसी तरह फाइव, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि सारा रियल नंबर्स क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। सारा रियल नंबर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, लेकिन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होंगे। इतनी बात तो आप लोगों को एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। अब बच्चों तुम देखो यहां पर क्या देखो, कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो लिखा गया वो इस फॉर्म में है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में। ये भी बच्चों एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ए और बी में से कोई भी जीरो नहीं है। ये जो एग्जांपल है इसमें ए का वैल्यू जीरो है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई भी है तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ए का वैल्यू जीरो है, देखो ए के जगह जीरो है, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर में बी के जगह जीरो है। यानी कहने का मतलब इस एग्जाम्पल में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट जीरो है, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आपका इमेजिनरी पार्ट है वो जीरो है। इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, जो आयोटा के साथ रहता है। तो आप देख सकते हो कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट जीरो है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है, इमेजिनरी पार्ट जीरो है। तो बच्चों ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट जीरो होता है, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट जीरो होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं, प्योरली इमेजिनरी नंबर। ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट जीरो हो उसको हम लोग बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर, और ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट जीरो हो, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट जीरो हो उसको बोलते हैं प्योरली रियल नंबर। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग फर्दर थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और वो थ्री पार्ट्स क्या होगा, चलो इसको समझते हैं, ठीक है। हाँ तो बच्चों अगेन, अगर आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप, मेरा वीडियो एकदम रेगुलर चलता रहेगा, आप घर बैठे आराम से पढ़ सकते हैं। हाँ अगर और डिटेल में जानना है आपको, असाइनमेंट सॉल्व करना है, हमारा मटेरियल सॉल्व करना है, रेगुलर टेस्ट देना है, तो आप क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलो अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग फर्दर थ्री पार्ट्स में
कैटेगराइज कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, देखो कौन कौन सा, प्योरली रियल नंबर, प्योरली रियल नंबर, प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी और एक इमेजिनरी नंबर, और कौन सा, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। समझो बच्चों, जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, ए प्लस आई बी, यहां पर जो ये है आपका दिस इज द रियल पार्ट ऑफ जेड, और जो बी है आपका दिस इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। इस बात को जान रहे हो? तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग प्योरली रियल बोलेंगे, जेड को हम प्योरली रियल बोलेंगे जब इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाएगा, जब कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाए। यानी बच्चों, कहीं भी अगर आपसे बोला जाए कि गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, कहीं पर बोला जाए कि गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, तो फटाक से तुरंत आप इमेजिनरी पार्ट को जीरो कर दो, फिर सॉल्व हो जाएगा। तो बताओ, वैसे एग्जांपल्स बता सकते हो जिसका इमेजिनरी पार्ट जीरो है? मतलब ये आई वाला तो है ही नहीं कोई, तो बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं बच्चों। जैसे थ्री, थ्री को क्या लिख सकते हैं, थ्री प्लस आई जीरो, देखो इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका, जीरो। जैसे माइनस फाइव, तो माइनस फाइव प्लस आई जीरो लिख सकते हो। जैसे रूट थ्री, माइनस रूट थ्री, तो इसको लिख सकते हैं माइनस रूट थ्री प्लस आई जीरो। तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं वो किसका एग्जांपल्स है, प्योरली रियल नंबर का। ये दीज आर प्योरली रियल नंबर, दीज आर प्योरली रियल नंबर। ओके बच्चों, और भी एग्जांपल, जैसे जीरो, जीरो को क्या लिख सकते हैं, जीरो प्लस आई जीरो। आप देखो ये प्योरली रियल नंबर है क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, जीरो है। अब बात रही प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा बच्चों, रियल पार्ट जीरो होगा, यानी आर ई ऑफ जेड जीरो होगा। रियल पार्ट क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट यानी ए के जगह जीरो आ जाए, तो उसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, जैसे थ्री आई, थ्री आई को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, जीरो प्लस थ्री आई, देखो रियल पार्ट इसका जीरो। माइनस फाइव आई, मतलब जीरो माइनस फाइव आई, माइनस रूट थ्री आई, यानी जीरो माइनस रूट थ्री आई, देखो जीरो, जीरो प्लस आई जीरो, दिख रहा है आपको, जीरो भी प्योरली इमेजिनरी नंबर है क्योंकि इसका रियल पार्ट देखो जीरो है। तो आप एक चीज देखो, कॉमन, एक कॉमन एग्जांपल देखो जो प्योरली रियल में भी है और प्योरली इमेजिनरी में भी है, और वो कॉमन एग्जांपल क्या है, जीरो। जीरो एक ऐसा नंबर है बच्चों जो प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी दोनों होगा। जीरो एक ऐसा नंबर है जो प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी होगा। जीरो ही एक ऐसा नंबर है, बाकी नहीं है, ठीक है। अब इमेजिनरी नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होगा बच्चों, इमेजिनरी नंबर वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को बोलेंगे जिसका इमेजिनरी पार्ट जीरो नहीं होगा। इमेजिनरी पार्ट इज नॉट इक्वल टू जीरो। यानी जैसे थ्री आई माइनस फोर आई, देखो इमेजिनरी पार्ट है प्रेजेंट, टू प्लस थ्री आई, देखो इमेजिनरी पार्ट है। हम प्योरली इमेजिनरी नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी में क्या होता है, रियल पार्ट जीरो होता है, लेकिन इमेजिनरी में रियल पार्ट कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो, उससे मतलब नहीं है, इमेजिनरी पार्ट जीरो नहीं होना चाहिए। देखो टू प्लस थ्री आई इमेजिनरी नंबर है, माइनस थ्री प्लस फाइव आई इमेजिनरी नंबर है, माइनस सेवन प्लस टू आई इमेजिनरी नंबर है, एटसेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखने वाला है बच्चा, वो क्या, प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी। इसलिए जो याद रखने वाली बात है उसको इस बॉक्स में बंद कर लो, लिख लो कि जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी। पहला चीज कि जेड इज प्योरली रियल इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू जीरो, पहला पॉइंट ये। दूसरा, जेड इज, जो गिवन जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है
इज प्योरली इमेजिनरी इफ इफ रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू जीरो। ओके बच्चों, ये बात जरूर याद रखना है क्योंकि इसी पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो आज आप लोगों को यहां तक बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो अगेन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आया तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए आप हमारा क्लास जरूर ज्वाइन करें बच्चों। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो।